इनफैक्ट अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में मेरे पास एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर को बहुत सिग्निफिकेंटली अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। अनिल जी, ये कंट्री की सबसे सेकंड बड़ी लुब्रिकेंट कंपनी है, और सबसे बड़ी बात, पिछले 3-4 सालों से बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखा रही है। इनफैक्ट पिछले साल भी करीबन 1600 करोड़ के रेवेन्यू पे 203 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। तीसरी तिमाही जो आई थी यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे थे, करीबन 9% का वॉल्यूम ग्रोथ किया था, जबकि इंडस्ट्री हार्डली आधे से 1% से ग्रो की है। तो इन्होंने ऑलरेडी ऑलवेज इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। दिक्कत यह है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण बेस ऑयल प्राइसेस बढ़े और ऊपरी लेवल से शेयर काफी टूट चुका है। बट हमारा मानना है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, जिस प्रकार का इनका आरओई एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्लस अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है, इस साल करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी, हमको लग रहा है कि निवेशकों को इस कंपनी में इस प्राइस पे जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5 साल में बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, और यहाँ पे एक अच्छा विकल्प बन सकता है। करीबन 510 का हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस है, तो यहाँ पे जरूर एक पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि होपफुली एक बार रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है तो क्रूड प्राइसेस कम होंगे, तो इसका इम्पैक्ट आपको जट से ही शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक गल्फ ऑयल, टारगेट प्राइस 510, 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करें। अनिल जी, जो पोजिशनल पिक है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। हमको लग रहा है कि देखिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स में जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट करंट ईयर में करीबन 40 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। कंपनी के पास 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और गुजरात में ये ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 12 से 15 महीने में ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और 48-50 रुपए की अर्निंग आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। प्राइस करीबन 490-492 अभी चल रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसको कम से कम 12-13 का पी मल्टीपल मिलेगा, तो करीबन 8 से 12 महीने में अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम देता है तो करीबन 570-575 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये पोजिशनल पिक मेरी तरफ से। अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है वो बेसिकली एक शुगर और एथेनॉल कंपनी है जिसका नाम है धामपुर शुगर। हमको लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की कीमतें तो बढ़ रही है, प्लस एथेनॉल का जो मार्केट है वो भी काफी स्ट्रांग है। धामपुर ने बहुत बड़ी कैपेसिटी एथेनॉल में लगाई है और उसका फायदा कंपनी को आने वाले साल में जरूर मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हालांकि थोड़ा स्टॉक वीक मूवमेंट दिखा रहा है, बट अगर किसी को एक आध महीने का भी अगर टाइम फ्रेम रखना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, जहां पे करीबन 325-330 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। नंबर्स आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, और जिस प्रकार से एथेनॉल की डिमांड है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, हमको लग रहा है कि धामपुर इज वेल पोजिशन। तो धामपुर डेफिनेटली करंट लेवल्स पे खरीदिए, करीबन 325-330 का यहाँ पे टारगेट प्राइस का अनुमान है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक। ये है शॉर्ट टर्म पिक आपके लिए इस वक्त आती हुई धामपुर शुगर। शुगर शेयरों पर है बुलिश सारे के सारे एक्सपर्ट्स, अविनाश जी भी। फैशन अविनाश जी रेडार पर है आपके? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जैसे वरुण ने कहा कि घाटा कम होने की अपेक्षा है, क्योंकि पोस्ट कोविड डिमांड काफी अच्छी बढ़ी है, रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी हमको लग रहा है कि काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस बात पे काफी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि काफी समय के बाद अभी ट्रैक्शन दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, मेरे ख्याल से काफी वेल पोजिशन बिजनेस है, ग्रुप भी काफी स्ट्रांग है, तो इसमें जरूर एक थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। नतीजे तो मेरे ख्याल से अच्छे आएंगे, लेकिन कमेंट्री जो आएगी दीपांशु, वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ और न्यू प्रोडक्ट्स के एडिशन को लेके। ये सारे एनालिस्ट डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेंगे।